अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज जी हमारे किचन में बन रही है मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन बिरयानी, इसको स्टूडेंट बिरयानी भी कह सकते हैं। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हैं जी सारे इन्ग्रीडियंट्स। सबसे पहले मैंने लिया है जी प्याज, ये मैंने चार बड़े साइज़ के प्याज लिए थे। चिकन 1/2 kg, टमाटर मैंने 5 लिए हैं, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ग्रीन चिली 4 से 5, आलू बुखारा, दही, योगर्ट 250 ग्राम, 1 पाव बिरयानी मसाला 1 पैक, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, और ऑल स्पाइसेस साबित गरम मसाला और गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल, ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें करेंगे प्याज फ्राई। प्याज़ों को आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इनका कलर चेंज करना है, ठीक है। प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन और उसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। चिकन का कलर होने तक इसको भी फ्राई करते हैं। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और इसको भी इनके साथ फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारे प्याज और चिकन वगैरह फ्राई हो रहा है, दूसरी तरफ हम ये दही और टमाटरों की पेस्ट तैयार कर लेंगे। मैंने टमाटर और दही ग्राइंडर में डाल दिए हैं और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से पेस्ट बन जाएगी और इधर हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। साथ ही हम साबित गरम मसाला सारा ऐड कर देंगे और ग्रीन चिली भी। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है। फाइव टू सेवन मिनट कुक करने के बाद हम इस पर दही और टमाटर का मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसको कवर करके 15 to 20 मिनट्स के लिए रख देंगे। पंद्रह से बीस मिनट गुजर चुके हैं, अब देखते हैं। ये देखें जी ज़बरदस्त सा मसाला हमारा तैयार है। चलो जी अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने जी लिए हैं राइस 1/2 kg। 1/2 kg के हिसाब से मैंने आपको मसाले की क्वांटिटी बताई है, अगर आप 1 kg बनाए तो आप डबल कर लें। पानी हमारा बॉईल हो चुका था, मैंने इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। सॉल्ट डालेंगे 2.5 टेबलस्पून भर के। वन टेबल स्पून विनीगर ऐड करेंगे। विनीगर ऐड करने से आपके चावल टूटते नहीं हैं और चावलों को बॉईल कर लेंगे। फुल आपने चावल बॉईल नहीं करने, 1/3 आपने छोड़ देने हैं। लेयरिंग करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल की लेयर लगाएंगे। ये देखें थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे, चिकन ऐड किया, अब हम राइस ऐड करते हैं। इसी तरह सारी लेयरिंग कर लेंगे।
लास्ट में हम जर्दा रंग ऐड करेंगे। ऊपर आप लेमन, ग्रीन चिली कुछ भी डाल के गार्निश कर दें। इसको कवर करके हम लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। 5 से 7 मिनट बाद हमारे राइस अच्छे से कुक हो चुके हैं। ये है जी हमारी बिरयानी की फाइनल लुक। इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन बिरयानी तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल फूड एंड मूड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।